आज की हमारी मूवी का नाम है दिस मीन्स वॉर, जो 2012 में रिलीज हुई एक अमेरिकन रोमांटिक स्पाई मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है हांगकांग से, जहां हम दो हैंडसम बंदों को देखते हैं, टॉम हार्डी और क्रिस पाइन। लेकिन मूवी में इनका नाम है फ्रैंकलिन और टक। ये दोनों CIA एजेंट हैं और इनका मिशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कार्ल हेनरिक को पकड़ना, जो कुछ देर बाद इसी क्लब में मीटिंग के लिए आने वाला है। कार्ल के आने से पहले फ्रैंकलिन पार्टी में मौजूद कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उसके बाद एंट्री होती है कार्ल की और वो मीटिंग में मौजूद लोगों को मारकर अपने पैसे और हथियार लेकर जाने लगता है। फ्रैंकलिन और टक अपना मिशन शुरू करते हैं, जिसमें कार्ल के भाई जोनास की छत से नीचे गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। उनके बॉस से हमें पता चलता है कि कार्ल टक और फ्रैंकलिन से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो उन दोनों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहती है। दोनों को डेस्क ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लॉरेन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक प्रोडक्ट टेस्टिंग एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद लॉरेन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा जाती है, जो अब किसी दूसरी लड़की के साथ इंगेज्ड है, और उन्हें साथ देख लॉरेन को जलन होने लगती है। वो अपने एक्स से झूठ कहती है कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, जो कि एक सर्जन है। नेक्स्ट सीन में उसकी फ्रेंड उसे ऑनलाइन डेटिंग ट्राई करने को कहती है ताकि उसे कोई डेट मिल सके, लेकिन लॉरेन को लगता है कि ऑनलाइन डेट करने वाले सब लड़के साइको होते हैं, जो उसका किडनैप करके उसे टॉर्चर करेंगे। उसके बाद हम फ्रैंकलिन और टक को एक फैमिली गैदरिंग में देखते हैं, जहाँ फ्रैंकलिन की दादी चाहती है कि वो दोनों उन्हें पोतों का सुख दे। टक कहता है कि वो ऑलरेडी उन्हें ये सुख दे चुका है। दरअसल टक का एक 7 साल का बेटा है, लेकिन उसका अपनी वाइफ से तलाक हो चुका है। उसके बाद टक अपने बेटे की कराटे क्लास में जाता है, जहां एक दूसरा बच्चा उसके बेटे की अच्छे से पिटाई कर रहा था और टक अपने बेटे को पिटते हुए देख रहा है। उसके बेटे को नहीं पता कि उसके पापा एक CIA एजेंट है। इसके बदले उसे ये पता है कि उसके पापा एक ट्रैवल एजेंट है और इसीलिए उसका बेटा और कराटे का ट्रेनर उसे हल्के में लेते हैं। टक अपनी वाइफ के साथ रिश्ते सुधारने के बारे में सोच रहा है और उसके साथ कहीं बाहर लंच में चलने को कहता है, लेकिन उसकी वाइफ की ऑलरेडी किसी के साथ डेट है। टक टीवी पर एक ऑनलाइन डेटिंग का एड देखता है। उधर लॉरेन जब ऑफिस आती है, सब लोग उसे अजीब फ्लर्टी लुक्स देते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रिश ने उसका ऑनलाइन डेटिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। वो अपनी फ्रेंड को फोन करती है ताकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सके, लेकिन तभी उसकी नजर टक की प्रोफाइल पर पड़ती है, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन उस डेटिंग ऐप में करवा लिया है। लॉरेन को टक काफी क्यूट लगता है और उसे डेट के लिए पूछती है। फ्रैंकलिन भी टक के साथ उसकी डेट पर आने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि टक डेट करना भूल गया है और वो टक का बैकअप बनना चाहता है। फाइनली टक और लॉरेन मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आते हैं। टक उसे अपने बेटे और अपनी एक्स वाइफ के बारे में बता देता है। दोनों मूवी देखने और शावर लेने का प्लान बनाते हैं। लॉरेन वीडियो स्टोर से मूवी की DVD खरीदने के लिए जाती है, जहां वो फ्रैंकलिन से टकरा जाती है और फ्रैंकलिन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसे नहीं पता कि लॉरेन टक की डेट है। वो उसे मूवी चूज करने में हेल्प करता है, लेकिन लॉरेन उससे कहती है कि वो यहाँ लड़कियाँ पटाने के लिए आया है। मूवी चूज करने के बहाने वो लड़कियों का शिकार करता है, लेकिन ये ट्रिक उस पर काम नहीं करेगी। और अब फ्रैंकलिन का एकमात्र मिशन लॉरेन का एड्रेस पता करना, इसलिए वो उसका एड्रेस पता करता है ये कहकर कि उसका कार्ल के साथ कनेक्शन है। उसके बाद वो लॉरेन के टेस्ट ग्रुप में पहुंच जाता है, जहां लॉरेन ग्रिल की प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रही थी और वहां फ्रैंकलिन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। बाद में फ्रैंकलिन और टक दोनों को पता चलता है कि वो एक ही लड़की के पीछे हैं। सो वो आपस में ही डिसाइड करते कि लॉरेन किसे चूज करेगी और वो अपने कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे लॉरेन को उनकी दोस्ती के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। और टक अपना एक अलग रूल बनाता है, उनमें से कोई भी लॉरेन के साथ हैंकी पैंकी नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनकी दोस्ती के बीच दरार आ सकती है। दूसरी तरफ हम कार्ल को एक टेलर के पास देखते हैं। वो उसे एक फैब्रिक के बारे में पूछता है, जो उसे उसके मरे हुए भाई के हाथों से मिला था, जो असल में फ्रैंकलिन का है। वो जानना चाहता है कि इस फैब्रिक के सूट्स कौन लोग स्टिच करवाते हैं, ताकि वो अपने भाई के हत्यारे को पकड़ सके। टक लॉरेन के साथ डेटिंग शुरू कर देता है। दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बिल्कुल एक ड्रीम डेट की तरह, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
उसके बाद लॉरेन ट्रिश को फोन करके पूछती है कि क्या दो लड़कों को एक साथ डेट करना सही है। ट्रिश कहती है हाँ बिल्कुल, कौन औरत एक ही आदमी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, हम औरतों को वैरायटी चाहिए। सो लॉरेन अब फ्रैंकलिन को डेट करती है। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं लेकिन लॉरेन को ये डेट पसंद नहीं आती और वो वहां से जाने लगती है। फ्रैंकलिन उसको समझाता है कि उसे मजा आएगा लेकिन लॉरेन उसकी एक बात नहीं सुनती। दोनों झगड़ने लगते हैं और अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी लॉरेन की नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर पड़ती है और वो फ्रैंकलिन को वापस बुलाकर उसे किस करने को कहती है ताकि अपने एक्स को दिखा सके कि उसके पास भी एक बॉयफ्रेंड है। फिर वो फ्रैंकलिन को अपने एक्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। दोनों काफी स्वीटली एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और एक्स को वाकई जलन होने लगती है। एक्स के जाने के बाद फ्रैंकलिन लॉरेन को पिज्जा डेट के लिए पूछता है। लॉरेन मान जाती है और दोनों फिर सीरियसली एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अगले दिन टक और फ्रैंकलिन लॉरेन के बारे में बात करते हैं और दोनों ही लॉरेन को पसंद करने लगे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए टक फ्रैंकलिन को जलाने के लिए उसे बता देता है कि उसने लॉरेन को किस किया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी फ्रैंकलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि उसने भी लॉरेन को किस किया था और वो काफी स्पेशल था। अब यहाँ इन दोनों के बीच एक लड़की को लेकर टेंशन हो जाती है और दोनों अपने अपनी टीम को लॉरेन के बारे में जितना ज्यादा हो सके पता करने को कहते हैं और अपनी टीम से झूठ कहते हैं कि लॉरेन का कार्ल के साथ कनेक्शन है, इसीलिए उन्हें लॉरेन के बारे में सब कुछ पता करना है। फ्रैंकलिन लॉरेन के घर में सीक्रेट कैमरे लगा देता है। इस बीच वो अपने मिशन कार्ल को भी कंटिन्यू करते हैं। लॉरेन दो लड़कों को एक साथ डेट करने की वजह से गिल्ट फील कर रही है, इसीलिए वो ट्रिस से कहती है कि उसे एक हफ्ते की डेडलाइन चाहिए ताकि वो टक और फ्रैंकलिन में से किसी एक को चुन सके। और टक फ्रैंकलिन के साथ बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। टक लॉरेन के साथ ड्राइव पर जाता है और फ्रैंकलिन कैम से उस पर नजर रखता है। टक गन से उस कैमरे को शूट कर देता है। ट्रिश लॉरेन से दोनों के बारे में पूछती है और लॉरेन फ्रैंकलिन की समुंदर जैसी नीली आंखों की तारीफ करती है। फिर फ्रैंकलिन उसे पेट शॉप लेकर आता है क्योंकि लॉरेन को पेट्स पसंद है और वो लॉरेन को इम्प्रेस करने के लिए एक डॉग को केज से बाहर निकाल लेता है और फिर ये होता है। ट्रिश और लॉरेन आपस में टक के बारे में बात कर रहे होते हैं और लॉरेन कहती है कि टक काफी स्वीट है, उसके साथ वो काफी सेफ फील करती है, लेकिन ट्रिश को ऐसे आदमी बोरिंग लगते हैं। सो अब टक लॉरेन को ऐसी जगह ले जाता है जहां उसे बोरिंग ना लगे और वो दोनों एक लाइव शूटिंग वीडियो गेम खेलते हैं। एक्साइटमेंट में लॉरेन टक को गलत जगह शूट कर देती है। वो फिर से ट्रिश से मिलती है और अपनी दोनों डेट्स के साथ सेक्स करने का प्लान बनाती है और ये प्लान फ्रैंकलिन और टक को पता चल जाता है और दोनों लॉरेन के साथ सेक्स ना करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उनकी डील हुई थी कि वो लॉरेन के साथ कुछ नहीं करेंगे जब तक वो उन दोनों में से किसी एक को चूज ना कर ले। टक लॉरेन को लेकर अपने खूबसूरत घर पर आता है। दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं और फ्रैंकलिन उनकी रोमांटिक पल को बारिश करके खराब करने की कोशिश करता है। उसके बाद फ्रैंकलिन लॉरेन को अपने घर लेकर आता है और उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। लॉरेन फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। उतनी देर में टक फ्रैंकलिन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। कार्ल के आदमी इवान से उन्हें पता चलता है कि कार्ल उन दोनों को मारने का प्लान कर रहा है। टक को पता चलता है कि फ्रैंकलिन अपनी फैमिली से लॉरेन को मिलवाने वाला है। ये जानकर टक अपसेट हो जाता है। लॉरेन फ्रैंकलिन की दादी से मिलती है और उसे पता चलता है कि वो पहली लड़की है जिसे फ्रैंकलिन अपने घर लेकर आया है। वो सब काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फ्रैंकलिन लॉरेन को घर छोड़ने आता है और फिर एक जेंटलमैन की तरह वहाँ से जाने की बात करता है, लेकिन लॉरेन उस पर भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ती है और दोनों रूम के अंदर आकर इंटीमेट होते हैं और वहाँ उसकी टीम सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। सुबह लॉरेन ट्रिश को कल रात के अपने सेक्स एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वो काफी खुश है। वो टक से ब्रेकअप करने की बात करती है लेकिन ट्रिश उसे फ्लेक्सिबल होने के लिए कहती है। टक को अपनी टीम से पता चल जाता है कि फ्रैंकलिन लॉरेन के साथ इंटीमेट हुआ है। फ्रैंकलिन लॉरेन के लिए सीरियस हो गया था, इसीलिए वो अपनी टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड को टाटा बाय बाय कर देता है। टक की अपनी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो लॉरेन से मिलवाने के लिए एक फेक फैमिली तैयार करता है, लेकिन फ्रैंकलिन के आदमी उस फेक फैमिली का किडनैप कर लेते हैं और उसके बदले एक दूसरी फेक फैमिली लॉरेन से मिलती है और वो काफी वियर्ड होती है। लॉरेन का मूड खराब हो जाता है और वो वहां से जाने लगती है। टक उसे सब कुछ बता देता है कि वो उसकी फैमिली नहीं है, उसने कुछ लोगों को ये सब नाटक करने के लिए हायर किया था उसे इम्प्रेस करने के लिए। वो उसे अपने बेटे से मिलवाता है और तीनों काफी मस्ती करते हैं। रात में लॉरेन टक से कहती है कि उसे काफी मजा आया और फिर वो दोनों किस करते हैं और फ्रैंकलिन ये सब देखकर सैड हो जाता है।
फाइनली लॉरेन टक को अपने घर ले आती है। वो टक के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो ऑलरेडी फ्रैंकलिन के साथ इंटीमेट हो चुकी है, इसीलिए लॉरेन खुद को संभालती है और दोनों के बीच कुछ नहीं होता। लेकिन टक उससे अपने प्यार का इजहार करता है और लॉरेन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे टक और फ्रैंकलिन दोनों से प्यार हो गया था। ट्रेस उसे सजेशन देती है कि उसे एक परफेक्ट इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान चूज करना चाहिए जो उसे परफेक्ट बनाए। उधर टक और फ्रैंकलिन की दोस्ती भी लॉरेन की वजह से टूट जाती है। लॉरेन टक को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। फ्रैंकलिन अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कार्ल उनके शहर में है, इसीलिए वो टक की डेट पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को ना पहचाने का नाटक करते हैं। उन दोनों को एक साथ देख लॉरेन वॉशरूम चली जाती है। इस बीच टक और फ्रैंकलिन आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी बातें सुनकर लॉरेन को पता चल जाता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। वो गुस्से में वहां से चली जाती है लेकिन कार्ल उसका किडनैप कर लेता है। वो टक को फोन करके किडनैपिंग के बारे में बताता है। दोनों लॉरेन को बचाने निकल पड़ते हैं। फ्रैंकलिन लॉरेन को सेफली अपनी कार में ले आता है और दोनों लॉरेन के सामने अपने CIA एजेंट होने की बात एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तभी कार्ल उनके सामने आ जाता है। लॉरेन कार्ल की कार की हेडलाइट्स पर शूट करने के लिए कहती है क्योंकि उसे इस दुनिया में मौजूद सभी प्रोडक्ट्स की अच्छी जानकारी है। कार काफी तेजी से लॉरेन की तरफ आ रही थी। दोनों लॉरेन को अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। कार्ल की कार का एयरबैग खुलने से कार्ल कार समेत फ्लाईओवर से गिर कर मर जाता है और लॉरेन को हम फ्रैंकलिन के साथ देखते हैं। उसने फ्रैंकलिन को चूज किया था। टक अपने दोस्त के लिए खुश होता है। उसके बाद हम टक को उसकी वाइफ कैटी और बेटे के साथ देखते हैं जिन्हें टक के CIA एजेंट होने का पता लग गया है और उसकी वाइफ उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है। उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है। टक फ्रैंकलिन के साथ अपने मिशन पर है। फ्रैंकलिन बताता है कि वो लॉरेन से शादी करने वाला है और वो ये भी बताता है कि वो टक की वाइफ के साथ इंटीमेट हो चुका है। लेकिन तब टक और कैटी एक दूसरे को नहीं जानते थे और उसे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि टक भी लॉरेन के साथ सो चुका है। टक गुस्से में और कहता है कि वो लॉरेन के साथ नहीं सोया, वो बस चाहता था कि फ्रैंकलिन ऐसा सोचे कि वो लॉरेन के साथ सो चुका है। गुस्से में दोनों हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।